वेलकम टू अच्छे दिन। धी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं, जिनके गाने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। धी ने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के गाना सीखा और आज उनके कंपैरिजन का तमिल इंडस्ट्रीज में कोई भी नहीं है। इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ और करियर से जुड़ी 10 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करने वाली बचपन से ही सेलिब्रिटी बनने की शौकीन दीक्षिता वेंका देशम उर्फ धी की फैमिली के सिंगिंग से संबंध एवं म्यूजिक में रुचि होने की वजह से उन्होंने स्कूलिंग से ही अपने आप को म्यूजिक के साथ साथ सिंगिंग में ट्रेंड किया, इसलिए टीनेज से ही सिंगिंग उनका ड्रीम बन गया। नंबर 2, बचपन से ही खूबसूरत 23 वर्षीय धी का जन्म 26 जून 1998 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया के एक वेल एजुकेटेड साउथ इंडियन म्यूजिक बेस्ड तमिल फैमिली में हुआ, जिनकी मदर मीनाक्षी अय्यर एक क्लासिकल सिंगर जबकि स्टेप फादर संतोष नारायण एक म्यूजिक कंपोजर एवं सिंगर व फैमिली में ब्रदर सुधीक सानम की इकलौती सिस्टर धी बचपन से ही म्यूजिक और सिंगिंग जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती थी। नंबर 3, धी जब स्कूलिंग में थी तभी से ही अपनी खूबसूरत और सोलमेट आवाज में उन्हें गाते हुए सुना तो हर किसी ने कहा इस लड़की को एकेडमिक की बजाय म्यूजिक पर ही फोकस करना चाहिए, यह लड़की बड़ी होकर एक दिन सिंगिंग में बहुत बड़ा नाम करेगी, जो धी ने आज सही साबित कर दिखाया। नंबर 4, धी ने नॉर्थ मेड हाई स्कूल ऑस्ट्रेलिया से स्कूलिंग के दौरान एक प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए पढ़ाई से ब्रेकअप कर 2013 में तमिल फिल्म पिज्जा टू विल्ला में सॉन्ग डिस्को वुमन से अपनी म्यूजिक जर्नी स्टार्ट की। वह फिल्म कुकू में इनड़ा मापला जैसे हिट सॉन्ग्स के साथ करियर की शुरुआत कर अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाया, जो उनकी लाइफ का करियर मेकिंग बिग ब्रेक साबित हुआ। नंबर 5, धी ने जब से संतोष नारायणन के म्यूजिक एल्बम रिलीज करने स्टार्ट किए तो उन्होंने अपने सरल व उदार व्यक्तित्व से लोगों को अट्रैक्ट कर जबरदस्त पॉपुलरिटी गेन कर एक कंप्लीट तमिल प्लेबैक इंडियन सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बनाई, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट गाने गाए। नंबर 6, धी ने फिल्म मद्रास के सॉन्ग नानी के गाने से ही सभी जानते हैं उनकी पॉपुलरिटी कहां से कहां पहुंच गई। धी को फिल्म इरुदी सूत्रु में आप सब ने आई संडाकारा और उसुरु नारुम्बले में उन्हें गाते हुए सुना, इन दोनों सॉन्ग्स के बाद से ही उनका करियर राइज पर है। मगर जब से धी ने फिल्म मारी 2 में सॉन्ग्स रोडी बेबी में सुना तो उनकी पॉपुलरिटी ओवरनाइट मिलियंस में पहुंच गई। नंबर 7, धी को तमिल फिल्म जग में ठंडी राम में सॉन्ग्स राकिथा से हग पॉपुलरिटी मिली। राकिथा एक बहुत ही शानदार सॉन्ग है और धी के सुरताल संगीत को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। राकिथा में उन्हें सुनने के बाद लगने लगा धी एक अव्वल दर्जे की सिंगर है। धी साउथ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्रीज में एक सिंगर के तौर पर आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 8, फिल्म मद्रास इरुदी सूत्रु और मारी 2 में धी को जब बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर विजय एवं साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया तो उनकी फैन फॉलोइंग कंट्री वाइड ओवरनाइट मिलियंस में पहुंच गई। क्या आप भी उन्हें फॉलो करते हैं हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 9, धी को सफलता का रास्ता मिल चुका है इसलिए उन्हें तमिल सॉन्ग्स में देखने के बाद से ही उनकी परफॉर्मेंस को इतना पसंद किया जाने लगा है कि उन्होंने साबित कर दिया वह साउथ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्रीज की मोस्ट ट्रेंडिंग सिंगर्स में से एक है, जिनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। नंबर 10, अक्सर म्यूजिक से प्यार करने वाली हॉट एंड सेक्सी धी का रियल लाइफ में 100% अपने करियर पर फोकस है, जिनका इंडस्ट्रीज में अब तक कोई सीरियस रिलेशन नहीं, इसलिए वह सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मगर वास्तविकता तो धी ही जाने उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको धी का कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप हमें न्यू वीडियोस के भी आइडिया दे सकते हैं, हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो फ्रेंड, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस इंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप देखना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।